हम लोगों का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पहले हम मीनिंग सीखेंगे, फिर उसके कैलकुलेशन के मेथड्स सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्राइंग्स किसे बोलते हैं। अगर मान लो ये मेरी फर्म है और ये फर्म का पार्टनर है, तो जब ये पार्टनर्स फर्म से पैसा विदड्रॉ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अगर इन्होंने पैसा निकाला है तो ये फर्म को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने वाले हैं। अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे तो आप बता सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है। इनकम है, इनकम है, तो इनकम की जर्नल एंट्री क्या होती है, इनकम डेबिट होती है क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है, तो जर्नल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और उसके बाद ईयर एंड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ चली जाती है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री करते हो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। हम जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं। एक बार वो दिखाना मार्क, वो कहाँ है, डस्टर कहाँ है, डस्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स होते हैं हमारे। सबसे पहला मेथड आता है हमारा सिंपल मेथड, सेकंड मेथड आता है हमारा एवरेज पीरियड मेथड, और थर्ड आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ये तीनों मेथड हम वन बाय वन देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और ये किस टाइम पर फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहली बात आती है सिंपल मेथड की। सिंपल मेथड हमारा कब फॉलो किया जाएगा, अगर क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स किस डेट पर की गई है, वो डेट अगर गिवन है। जैसे कि मान लो पार्टनर ए ने विदड्रॉ किए 10,000 ऑन 1st of October 2018, सपोज ये दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पर अगर आपको दोनों चीज़ें गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए उसने ये बता दिया कि ड्राइंग्स किस डेट पे की थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या है, अगर दोनों इन्फॉर्मेशंस गिवन है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब कि 10,000 के ऊपर 10% लगाना है, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो ये आ गया 500 रुपीज़। सेकेंड हमारा मेथड आता है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड हमारा कब फॉलो किया जाता है, अगर मान लो जो हमारे ड्राइंग्स हुई है वो साल में बहुत बार हुई है, मैनी टाइम्स ड्राइंग्स हुई हुई है, और हर बार ड्राइंग्स जो है वो सेम डेट पे हुआ है, मतलब कि टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, अगर हर महीने करता है दैट मीन्स एक एक मंथ का गैप आएगा, हर क्वार्टर करता है तो 3-3 महीने बाद कर रहा है, हर 6 महीने बाद करता है दैट इज हाफ ईयरली करता है, तो 6-6 महीने बाद करता है, इसका मतलब कि टाइम इंटरवल सेम है हर बार उसके ड्राइंग्स करने का,
टाइम के बीच में जो टाइम का गैप है वो सेम है। तीसरा जो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स वो भी हमारी सेम है। हर बार जो वो ड्रॉइंग्स कर रहा है वो सेम डेट पर ड्रॉइंग्स कर रहा है। अगर वो मान लो हर महीने ड्रॉइंग्स कर रहा है और पहली बार ड्रॉइंग उसने बिगनिंग में की थी, तो हर महीने वो ड्रॉइंग्स बिगनिंग में ही कर रहा है। अगर मान लो उसने एंड में ड्रॉइंग्स की, तो हर महीने वो एंड में ड्रॉइंग्स करेगा। अगर उसने मिड में ड्रॉइंग्स किया है, तो हर महीने ड्रॉइंग्स वो मिड में करेगा। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। हम इसे जो है सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर आप सिंपल मेथड से कैलकुलेट करोगे तो उसमें जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। वो करके देखें हम लोग। मान लो एक पार्टनर है जो ड्राइंग्स कर रहा है, 3 महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहा है वो, 1 महीना कंप्लीट, 2 महीना कंप्लीट और 3 महीना कंप्लीट। उसने हर महीने के बिगनिंग पर 100 रुपये की ड्राइंग्स की, हर महीने के बिगनिंग पर 100 रुपये की ड्राइंग्स की। मान लो ये पीरियड है 1 जनवरी 2018, 1 फरवरी 1 मार्च, 31 मार्च आ जाएगा। अगर एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल मेथड फॉलो करता हूँ, सिंपल मेथड, हाँ 31 मार्च को ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 31 मार्च को ये है ईयर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 3 महीने का ही पीरियड लिया है, शॉर्ट पीरियड इसलिए लिया क्योंकि हमें तो सिर्फ प्रूव करके बताना है। चाहे 12 महीने का कैलकुलेट कर लो, 3 महीने से प्रूव कर लो, एक ही बात है। अगर मान लो मैं पहले की बात करता हूँ, इस ड्राइंग्स पे आपने इंटरेस्ट देना है, तो 100 रुपये के ऊपर, सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 12% पर एनम कर लो आप, तो इसका मतलब कि 100 रुपये के ऊपर 12% फॉर 3 मंथ्स, तो ये कितना आ जाएगा, 3 रुपये। और ये 100 रुपये के ऊपर 12% 2 मंथ्स का कितना आएगा, 2 रुपये। और 100 रुपये के ऊपर 12% 1 महीने का कितना आएगा, 1 रुपया। तो इसका मतलब कि टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बना इसका, 6 रुपये। अगर हम इसी क्वेश्चन को एवरेज पीरियड मेथड से सॉल्व करें, तो इसका मतलब कि उसने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग्स की है, तो उसमें सबसे पहले हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है। एवरेज पीरियड के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग मतलब कि पहली बार ड्रॉइंग करने के बाद आपका कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है। पहली बार उसने ड्रॉइंग्स कब की थी, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को किया, तो जनवरी का महीना पूरा पड़ा है, फरवरी का पड़ा है, मार्च का पड़ा है, इसका मतलब कि 3 मंथ्स पड़े हैं। लास्ट बार ड्रॉइंग कब की थी उसने, एक लास्ट मंथ के फर्स्ट डेट को, दैट इज 1 मार्च को, तो कितना टाइम पीरियड बचा है, 1 महीना डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, ये 2 मंथ्स। तो अगर हम कहें 3 महीने में 300 रुपये की उसने टोटल ड्रॉइंग्स कर ली, उसका 12% फॉर 2 मंथ्स कितना आएगा, ये देखना, 3 दुनी 6 रुपये। तो क्या इन दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है, ऑलवेज भी सेम आएगा। इसका मतलब कि आप जो ये वाला मेथड लगाते हो, ये क्यों लगाते हो आप, क्योंकि इसके अंदर आपका टाइम कम लगता है। बात समझ में आई है। तो हम जो है एवरेज पीरियड, बोलना नहीं, सिंपल मेथड से करने नहीं,
आपको खुद देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड लग सकता है, या कौन सा मेथड आपके लिए टाइम सेविंग है। आप कौन सा प्रेफर करोगे? मैं जो है अगर एवरेज पीरियड मेथड लगने की सिचुएशन है तो वो वाला लगाऊंगा। क्या बेटा उसके अंदर क्वेश्चन में देखो ना, आपने एक ही बार ड्राइंग दे रखी है तो सिंपल मेथड से करेंगे, फिर तो एवरेज पीरियड का मतलब ही नहीं बनता। एवरेज पीरियड मेथड से आपने चार सिचुएशन चेक की थी जिसमें एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। पहले चेक करो कि ड्राइंग्स जो हैं वो मैनी टाइम्स दे रखी हैं, बहुत बार ड्राइंग्स की हुई हैं। दूसरे पे आपने देखा कि जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है। क्या तीसरा था हमारा, जो डेट ऑफ ड्राइंग्स है, डेट ऑफ ड्राइंग्स है वो हर बार सेम है, हर महीने के बिगिनिंग में होगी, हर महीने के मिड में होगी, या हर बार एंड में होगी। और चौथी कंडीशन क्या है, अमाउंट भी हर बार सेम होना चाहिए। तो हम कौन सा मेथड लगा के चलेंगे, एवरेज पीरियड मेथड। इसके बाद हमने देखा था इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय टू। हम जो है कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं जिसमें हम पहले ये देखते हैं कि टाइम इंटरवल कैसे चेक करना है। अगर मान लो हमने टाइम गैप ले लिया 6 महीने का, 1 महीना कंप्लीट, 2, 3, 4, 5 और 6 फर्स्ट मंथ एंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये एंड के हैं सारे मंथ। अगर मान लो कोई पार्टनर जो है विदड्रॉ कर रहा है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ करता है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है हर महीने के स्टार्टिंग में, तो आप मेरे को बता सकते हो कि पहली बार ड्राइंग उसने कब की होगी, फर्स्ट टाइम ड्राइंग फर्स्ट मंथ के बिगनिंग में। अगर फर्स्ट मंथ का बिगनिंग में ड्राइंग की है तो उसका कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है, ये पूरा महीना, ये भी सारा कंप्लीट बचे हुए हैं, तो 6 मंथ प्लस लास्ट बार ड्राइंग कब की थी उसने, लास्ट बार ड्राइंग की थी लास्ट मंथ के बिगनिंग में, एक जो भी यहाँ पे डेट होगी लास्ट मंथ का बिगनिंग। छः महीने बेटा यहाँ से ये लो, 1 सितंबर से लेके 1 सितंबर 2018 से 31 मार्च 2019 वाला साल है हमारा अब, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो उसने लास्ट बार ड्राइंग की थी मार्च के महीने की फर्स्ट डेट पे ड्राइंग की थी, दैट इज़ फर्स्ट मार्च को, तो कितना टाइम पीरियड बच गया यहाँ पर, एक महीना। तो 6 + 1/2 दैट इज़ 7/2 3.5 मंथ्स। अगर मैं इसी एग्जांपल को चेंज कर दूं कि उसने ड्राइंग्स की हैं एंड ऑफ ईच मंथ, तो उसने फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स कब की है, फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स की है फर्स्ट मंथ के एंड पर, इसका मतलब है ये वाला मंथ तो हमारा जा चुका है, तो कितना टाइम बच गया, 5 मंथ्स प्लस लास्ट टाइम ड्राइंग्स कब की थी, लास्ट मंथ के एंड पर, तो इसका मतलब के 0 मंथ्स बचे हुए हैं, डिवाइड बाय 2, तो 5/2 2.5 मंथ्स। अगर हम बात करें मिड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग की है, मिड ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स कब की होगी, फर्स्ट मंथ के मिड पर,
तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये आधा महीना तो ये बचा हुआ है और 5 महीने कंप्लीट बचे हुए हैं, तो इसका मतलब कि 5.5 मंथ्स प्लस लास्ट बार ड्राइंग कब की होगी, लास्ट मंथ के मिड में, तो इसका मतलब के 0.5 मंथ्स वहाँ बचे हुए हैं डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 3 मंथ्स। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? तीन। अच्छा क्वार्टर का मीनिंग पता है, क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज का क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है, क्वार्टर का मीनिंग क्या कहते हैं हम? किसी भी चीज के 1/4 को हम क्वार्टर कह के चलते हैं, 1/4 पार्ट को क्वार्टर कहा जाता है। तो इसका मतलब कि अगर ये 12 मंथ्स का पीरियड है पूरे साल में, तो 12 मंथ्स का मतलब हुआ 12 डिवाइड बाय 4, दैट इज 3-3 मंथ्स के 4 क्वार्टर। एक साल में क्वार्टर 4 होते हैं, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, किसी भी चीज का 1/4 क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर में कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का। अगर हम बात कहें यहाँ पर पहला क्वार्टर कब कंप्लीट होएगा, 3 मार्च, 3 मंथ के एंड पर, और दूसरा क्वार्टर यहाँ पर, तो अगर हमने बात की है कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वो ड्राइंग करता है, और हमारे पीरियड दिया हुआ है सिर्फ 6 महीने का, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम उसने ड्राइंग कब की होगी, इस क्वार्टर के बिगिनिंग पे, दैट मीन्स यहाँ पे अगर ड्राइंग की है तो ये क्वार्टर पूरा बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है, तो इसका मतलब कि 6 मंथ बचे हुए हैं, प्लस लास्ट टाइम ड्राइंग स्किप कब की होगी, इस क्वार्टर के बिगिनिंग पे, दैट इज 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2। हर क्वार्टर के बिगनिंग पे ड्राइंग कर रहा है, तो इस क्वार्टर के बिगनिंग पे क्यों होगी पहली बार? आपने चेक करना होता है पहली और आखिरी बार, पहली बार चेक करो उसके बाद टाइम पीरियड, आखिरी बार चेक करो उसके बाद टाइम पीरियड। पहली बार ड्राइंग कब की होगी? पहले क्वार्टर के बिगनिंग पे, दैट इज 6 मंथ्स बचे हुए हैं, और लास्ट टाइम ड्राइंग की होगी लास्ट क्वार्टर के बिगनिंग पे, तो इसका मतलब 3 मंथ्स ये बचे हुए हैं, तो 9 डिवाइड बाई 2 4.5 मंथ्स। अगर हमने कहा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट टाइम ड्राइंग क्या होगी, हर क्वार्टर के एंड पे कर रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड पर यहां की होगी ड्राइंग, तो ये 3 महीने बचे हुए हैं, प्लस लास्ट टाइम ड्राइंग क्या होगी, लास्ट क्वार्टर के एंड पर, तो इसका मतलब 0 डिवाइड बाई 2। अगर उसने ड्राइंग की है मिड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर उसने फर्स्ट टाइम ड्राइंग की है तो इस क्वार्टर के मिड में की होगी, दैट इज इस डेट पे समथिंग, तो ये टाइम पीरियड कितना बचा हुआ है, 1.5 मंथ्स, और 3 मंथ्स ये बचे हुए हैं, तो 4.5 मंथ्स प्लस लास्ट टाइम ड्राइंग कब की होगी, इस क्वार्टर के मिड पे, दैट इज यहाँ पर की होगी, तो ये टाइम पीरियड कितना बच गया हमारा, डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 3 मंथ्स। तो ये बात समझ में आई है आपको? क्या हुआ बेटा, पानी पानी रखा हुआ है बोतल, भाभी होंगे बाहर, भाभी को बोल दे। इनका डंडे से मार रखे हैं, डंडे से का क्या करेंगे, सही बात है। हाँ जी बेटा एक बार देखेंगे इसमें, पहले हम तो ये तो लेंगे।
100 रुपये बिगिनिंग ऑफ मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। हाँ जी बेटा, पहले तो इसमें जो है इस एग्जांपल में मेरे को ये सोच के बताओ आप, इस एग्जांपल में ये सोच के बताओ एवरेज पीरियड कितना निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करता है ड्रॉइंग, तो फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग पे दैट इज 3 मंथ्स प्लस 1/2, तो 4/2 2 मंथ्स। अब मेरे को जो है यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप कहोगे कि 300 रुपये 3 महीने में ड्रॉइंग्स हो गई, उसके ऊपर 12% का रेट हो गया इंटू 2/2, आप ये बोलो 2/3 करूँ 2/12 करूँ, मतलब समझ में आया है मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है। अब ये 2 मंथ्स हैं, 2/, क्योंकि 3 महीने के लिए ड्रॉइंग्स की है, तो 2/3 लिखूँ यहाँ पर या 2/12 लिखें, 3 लिख दें ये। अच्छा इस बात को हम समझ के चलते हैं, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर ये डिवाइड में होता है 3 या 12 वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो 12% क्या दे रखा है, पर एनम दे रखा है, पर क्वार्टर दे रखा है, हाफ ईयरली दे रखा है। इस वर्ड को अगर हम समझ के चलें, इसका मतलब है 12% पर एनम, दैट इज 12 महीने का कितना ब्याज मिलेगा, 12%। इस बात का यही मतलब है, पर एनम मतलब एक साल का आपको 12% ब्याज मिलने वाला है। तो इसका मतलब कि मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि आपको 12 मंथ्स में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 12%, तो एक मंथ में बता सकते हो कितना मिलेगा, 12% / 12 और 3 मंथ्स में कितना मिलेगा, क्योंकि 3 महीने ड्राइंग किया उसने, तो 3 महीने में ड्राइंग्स कितना वो मिलेगा, 12% / 12 × 3 यही होगा। तो अब ये देखो यहाँ पर परसेंटेज अगर मैं हटा दूँ तो ये आ गया 100, तो यहाँ पर ये जो डिवाइड में आया है, डिवाइड में 3 है कि 12 है, 12 है, यहाँ पर ये 3 वर्ड नहीं आता है, इसका मतलब कि जो ये डिवाइड में होता है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपका इंटरेस्ट रेट किस परसेंट से दिया हुआ है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को रीड करूँ कि 2% का इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी 12% का इंटरेस्ट मिलेगा 12 महीने में, तो 2 महीने में कितना, तो इसका मतलब कि जो ये यहाँ पर डिवाइड में वर्ड होता है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगर ये 12 महीने का हो, 15 महीने का हो, 18 महीने का हो, अगर कुछ ना दिया हो हम डिस्कस करेंगे बेटा, अभी वो चीज़ बात ही नहीं की हमने उसकी, सारा का सारा ही आ जाएगा। यहाँ पर अगर पर एनम दे रखा है, मान लो आपका सपोज हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, आपका एवरेज पीरियड आता 50 महीने, वैसे ही बात कर दी हमने 50 महीने आया, तब भी आप डिवाइड में क्या लिखोगे, डिवाइड में इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो इसका मतलब कि डिवाइड में तो 12 ही आएगा। अगर मैंने आपको ये दे दिया होता कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो 12% पर क्वार्टर है, 12% पर क्वार्टर, तो आप क्या लिखते, 300 के ऊपर 12%, ये 12% कितने महीने का है, 3 महीने का, क्योंकि क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, 3 महीने का, तो ये 12% 3 मंथ्स का है, तो 2 मंथ्स का कितना, ये बात समझ में आई है। और अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता कि ये 12% पर हाफ एनम है, हाफ ईयरली, तो आप क्या लिखते, तो आप लिखते 300 का
12% है 6 महीने का, तो 2 महीने का कितना? ये बात समझ में आई है? ये बात जो है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे 99.9% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। अगर मान लो उसने, हमने अभी ये बात की कि अगर उसने दे रखा है मान लो 12% पर एनम, तो डिवाइड में क्या जाएगा? 12। और अगर ये दे रखा होता 12% हाफ ईयरली, तो डिवाइड में जाएगा 6। और अगर दे रखा होता क्वार्टरली, तो डिवाइड में क्या जाएगा? 3। और अगर दे रखा होता 12% ओनली, यहाँ पर ये चीज मिसिंग है, ये चीज मिसिंग है, तो आप पीरियड को कंसिडर करेंगे ही नहीं। इसका मतलब कि जो 300 रुपये की ड्राइंग्स आई थी उसके ऊपर सीधा 12%, जो पीरियड वाला पोर्शन था वो कंसिडर नहीं करना है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको ये चेक करना होता है कि यहाँ पर एनम वर्ड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। आप मेरी पीछे वाली जो भी हमने काम किया, आप हर क्वेश्चन में नोटिस करना, मैंने पर एनम वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन किया हुआ होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है अंडरलाइन करने का मतलब यही है कि वहाँ पर हमने इसको पॉइंट आउट कर दिया कि ये क्या चीज़ दे रखी है।